सो हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपना कृष्णमूर्ति नंबर। देखिए, जावा के अंदर ना कृष्णमूर्ति नंबर क्या होते हैं। सपोज़ हमने नंबर लिया 145, तो अगर हम लोग नंबर को ब्रेक करेंगे ना, दैट इज़ 1, 4 और 5, इन तीनों का फैक्टोरियल करेंगे और इन तीनों के फैक्टोरियल का सम अगर हमारे एक्चुअल नंबर के इक्वल आता है तो हमारा नंबर क्या होता है, कृष्णमूर्ति नंबर, अदरवाइज नॉट कृष्णमूर्ति नंबर। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कोड करके। ठीक है, सो हे गाइस, अब हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं एक n नाम का वेरिएबल बना देती हूँ, 145 ही ले लेते हैं, सेमीकोलन लगाना मस्ट है। उसके बाद क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल देखो, ब्रैकेट के अंदर n इज ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक r नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हमारे नंबर का मॉडुलस, मॉडुलस मतलब उसकी लार्ज डिजिट आएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ऊपर भी डिफाइन कर दे रहे हैं r को, तो int r ले रहे। उसके बाद क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू 1, ये भी एक इंट आंसर इक्वल टू 1 नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया। ठीक है, तो ये काय का कोड लिख रहे हो आप, ये इंट आंसर इक्वल टू 1, यहाँ से हमारा काय का कोड स्टार्ट हो रहा है फैक्टोरियल का। देखो, क्योंकि ना हमें एक लार्ज डिजिट मिल गई आर, उसमें क्या लार्ज डिजिट स्टोर हो रही है हमारे नंबर की, 145 का रिमाइंडर निकालेंगे 10 से, तो कितना बचेगा, 5, मतलब लार्ज डिजिट बनेगी। अब उस लार्ज डिजिट का क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करा, इंट आंसर इक्वल टू 1। अब हमें पता है फैक्टोरियल में क्या होता है, देखो आप मैं स्टेटमेंट लिख के क्या करती बता दे रही हूँ। फैक्टोरियल से सपोज 5 का निकालना ही है, तो 5 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसा करना होता है। ठीक है, ये देखो 5 के बाद ना, पहले ना ये मैंने यहाँ दो में से लगाए हैं, दो डंडे, इसका मतलब क्या होता है, हमारी स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इसमें कोड में कोई एरर नहीं आता अगर हम लोग कमेंट ऐड करते हैं तो। ठीक है, तो हमें ये सब क्या करना है, साइड डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, अपना फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक, आई लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, लेस देन इक्वल टू आर तक क्यों लेके गए, क्योंकि सिर्फ हमें वहीं तक निकालना है। देखो, 1 से लेके कहाँ तक गया, यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल निकाला है ना, तो ये 1 से लेके कहाँ तक गया, 5, 5 क्या था हमारी लार्ज डिजिट, लार्ज डिजिट क्या थी, जहाँ तक हमें निकालना है ना 5 तक, तो हमारे कहाँ तक जाएगा फैक्टोरियल, 5 तक। तो ये मैंने आई लेस देन इक्वल टू आर किया है, देन इंक्रीमेंट, दैट इज आई प्लस प्लस, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू आई। ये देखो मैंने क्यों किया, देखो सबसे पहले क्या है, ये ना आंसर भी पहले वाले लिखा है ना, वो हमारी स्टोर कर रहा है न्यू वैल्यू, और ये इक्वल के बाद जो आंसर है ना, वो हमारी प्रीवियस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाएगा। जैसे मैंने ऊपर लिया, देखो इंट आंसर इक्वल टू 1, अब ये नीचे क्या होगा, 1 इंटू आई, आई की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस आंसर के जो पहला वाला आंसर है ना, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू चेंज होगी, तो 1 आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, देखो 1 इंटू 2 हो जाएगा, ऐसे ही। फिर क्या हो जाएगा, आंसर के ये पहला वाला आंसर है ना, इसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2। उसके बाद क्या होगा, उसमें 2 इंटू 3 हो जाएगा, ऐसे ही कहाँ तक चलते जाएगा, लेस देन इक्वल टू आर, दैट इज़ 5 तक चलते जाएगा। ठीक है, अब मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर निकलना है। उसके बाद क्या करना है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस आंसर। ये हमने क्यों किया, बिकॉज मैंने बताया था ना 145 का फैक्टोरियल निकालेंगे, तो पहले 1 का निकाला, देन 4 का निकाला, देन 5 का फैक्टोरियल निकाला, आखिर में क्या करना है, उन सारे फैक्टोरियल का एडिशन करना है। ठीक है, तो ये कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। ये क्यों किया, देखो 145 है, अब मैंने 5 का फैक्टोरियल निकाल लिया, तो मैं क्या करूँगी, 5 को हटा देना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड बाय 10 करती है ना, तो 5 मतलब लार्ज डिजिट हट जाती है हमारे नंबर से, तो कितना नंबर बचेगा, n इक्वल टू 14। फिर क्या होगा, हमारे ऊपर की कंडीशन चेक होगी, फिर से चेक करेगा व्हाइल n इज़ ग्रेटर देन 20। तो ऐसे ऐसे करके ये हमारा कोड चलते जाएगा। देखो, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे एडिशन है, तो यहाँ पे क्या है, काउंट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा काउंट की वैल्यू। डिक्लेयर कैसे करेंगे, देखो इंट काउंट इज इक्वल टू 0 लिख कर रही हूँ मैं। अब आप सोचेंगे, मैंने आंसर की वैल्यू यहाँ पे 1 ली थी, यहाँ काउंट की वैल्यू 0, ऐसे कैसे, तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बताया है हर बार कि जब भी हम लोग एडिशन करना होता है ना, तो काउंट की वैल्यू 0 लेते हैं। ठीक है, अगर हमें कहीं पर भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम एक वेरिएबल का नाम, वो वेरिएबल को किससे इंट्रोड्यूस करते हैं, 1 से, जैसे आंसर इक्वल टू 1 से इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 कर दिया, आफ्टर दैट ब्रैकेट के बाहर निकलेंगे और क्या करेंगे, इफ ब्रैकेट में काउंट, अगर हमारे सम की वैल्यू, दैट इज़ काउंट की वैल्यू इक्वल टू m, m मतलब एक नया वेरिएबल बना दिया है जिसके अंदर क्या वैल्यू आएगी हमारी, n की वैल्यू को स्टोर करेगा।
ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और हमने नंबर को प्रिंट करवाना है, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और हम क्या प्रिंट करवा देंगे अपने नंबर को, कृष्णा मूर्ति, कृष्णा मूर्ति और नंबर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सेमी कोलन लगाएंगे, और इफ़ अगर ये कंडीशन ऐसे फुलफ़िल नहीं हुई तो एल्स कंडीशन फुलफ़िल होगी, तो हम लोग इसको प्रिंट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और क्या लिखेंगे, नॉट कृष्णा मूर्ति नंबर, क्या आएगा, नॉट, ठीक है, बहुत सिंपली। देखो मैंने कोड कर दिया, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। पहले हमें ना हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखो 145 का मैंने बताया था कि कृष्णामूर्ति नंबर था, चलो हम इसको चेक करते हैं। ये देखो कृष्णामूर्ति नंबर आ गया। देखो अब देखो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, सबसे पहले मैंने क्या किया है, वाइल की वाइल लूप लिया है, एन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दी है तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करा है, आर की वैल्यू, आर में क्या वैल्यू स्टोर होगी, जो हमारा नंबर है ना उसकी लार्ज डिजिट, लार्ज डिजिट कैसे निकालते हैं, जब उसका मॉड्यूलस निकालते हैं 10 के साथ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे इंट आंसर इक्वल टू 1, ये एक मैंने वेरिएबल बना दिया, क्यों बनाया, क्योंकि हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो फिर क्या करना है, फॉर लूप लगाएंगे, आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू आर, आर तक क्यों लिखे गए, क्योंकि सिर्फ हमें उसी नंबर का हमें क्या निकालना है, फैक्टोरियल, तो आई लेस देन इक्वल टू आर, आई प्लस प्लस, देन कर्ली ब्रैकेट्स, आंसर इक्वल टू आंसर इनटू आई। फिर अगर आपको फैक्टोरियल में डाउट है ना तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, उसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया फैक्टोरियल का प्रोग्राम। फिर करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर निकलेंगे और क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस आंसर, ये भी मैंने बताया आपको पिछले वीडियोस में क्या। अब देखो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस आंसर क्या है, ये देखो ये काउंट पहले वाला काउंट है ना, वो क्या इंट्रो वो का क्या है, स्टार्टिंग में जीरो जीरो प्लस आंसर की वैल्यू ऊपर से जो आएगी, फिर ये पहले वाले काउंट के स्टोर हो जाएगी। तो देखो पहले वाले काउंट में स्टोर हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, हमारा जो नंबर है ना डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो 145 का डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या बचेगा, 14। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही हमारा वाइल लूप बार बार चेक होते जाएगा, और लास्ट में क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगेगी, इफ़ काउंट इक्वल इक्वल टू एम, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, कृष्णामूर्ति नंबर, अदरवाइज एल्स कंडीशन लगेगी, नॉट कृष्णामूर्ति नंबर। तो ये हमारा, देखिए आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने यहाँ तक लिखा एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, उसके बाद इफ़ काउंट इक्वल टू एम कर दिया तो डायरेक्ट इस पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होगा, वाइल लूप पूरा चेक होगा उसके बाद ही नीचे जाएगा। वाइल लूप कब तक चलेगा, एन इज़ ग्रेटर देन जीरो, मतलब हमारे जो नंबर है ना जब तक ग्रेटर देन जीरो है तब तक पूरा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारी इफ़ कंडीशन पे जाएगा और एल्स कंडीशन पे जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो मैं ना दूसरा ले लेती हूँ नंबर 345, हम लोग चेक कर लेते हैं कृष्णामूर्ति नंबर है कि नहीं। तो ये देखिए नॉट कृष्णामूर्ति नंबर, यहाँ आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं कि इसका फैक्टोरियल करेंगे और सारे नंबर का ऐड करेंगे तो ये इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि नॉट कृष्णामूर्ति नंबर आएगा, क्योंकि सारे डिजिट का फैक्टोरियल निकालने पर वो हमारे एक्चुअल नंबर के इक्वल नहीं है। आई होप आप लोग ये समझ आया होगा। थैंक यू।